बायोमास पैलेट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। फ्रेंड्स, इसका रॉ मटेरियल ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आने वाला वेड ही इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। खासकर कॉटन, सामिल पाउडर, मकई को इस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स की तरह यूज किया जा सकता है और पैक करने के लिए पैकिंग कवर्स की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, इस बायोमास पैलेट्स तैयारी के लिए कौन से मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में जानेंगे। इस इंडस्ट्री के लिए दो मशीन की ज़रूरत होती है। एक ग्राइंडिंग मशीन, इसकी कीमत 36,000 से स्टार्ट है। दूसरा बायोमास पैलेट्स मेकिंग मशीन, इसकी कीमत 80,000 से स्टार्ट होती है। इस मशीन से एक घंटे में 150 kg बायोमास पैलेट्स तैयार कर सकते हैं और ये मशीन सिंगल फेज पावर सप्लाई से काम करती है। इन मशीन्स में एक घंटे में प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से डिफरेंट साइज और प्राइजेस भी रहते हैं। इस बिजनेस के रिलेटेड मशीनरीज सब indiamart.com और tradeindia.com पे अवेलेबल है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां चेक करें। इस बायोमास पैलेट्स को किस तरह तैयार किया जाए ये मशीन सेलर्स आपको ट्रेनिंग देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस बिजनेस के इन्वेस्टमेंट, इनकम और खर्चे के बारे में जानेंगे। अगर इस बिजनेस को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जैसे स्टार्ट करें तो रॉ मटेरियल्स, मशीनरी इनको मिलाकर 1,50,000 तक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और मिनिमम 2 वर्क लेबर की जरूरत होगी। मार्केट में होलसेल में 1 kg बायोमास पैलेट्स की कीमत 18 rupees है। बायोमास पैलेट्स मेकिंग मशीन से आप एक घंटे में 150 बायोमास पैलेट्स को तैयार कर सकते हैं। इस तरह हर दिन 500 kg का बायोमास पैलेट्स को तैयार करके सेल करें तो आप इजी से 9,000 कमा सकते हैं और इस तरह एक महीने में 2,25,000 हर महीना कमा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें रॉ मटेरियल्स, वर्क लेबर, करेंट बिल और दूसरे खर्चों के लिए 1,25,000 निकालने पर भी आपको 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान दें कि यह इनकम और खर्चों के सब डिटेल जैसे बायोमास पैलेट्स बेचने की कीमत, वर्क लेबर की सैलरी, करंट बिल, ट्रांसपोर्ट चार्जेस और आपके स्थानिक परिस्थितियों पर डिपेंड होता है और बदलाव भी होता है, इस बात का ध्यान दें। फ्रेंड्स, अब हम इस बिजनेस के मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट LPG कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत मैक्सिमम 13,000 है, मतलब 1 kg गैस का प्राइस मिनिमम 68 rupees है। वही बायोमास पैलेट्स की कीमत 1 kg 18 rupees है। LPG गैस से कंपेयर करें तो आप 50 rupees बचा सकते हैं। इस कंपैरिजन को होटल्स, हॉस्टल्स, बेकरीज, दाबा जैसे फूड व्यापारी को बायोमास पैलेट्स के बारे में समझा कर मार्केटिंग करना चाहिए और इसके इस्तेमाल से पर्यावरण किस तरह का नुकसान नहीं होगा इसके बारे में कस्टमर को बताएं। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इस बायोमास पैलेट्स के चूल्हे को अच्छी कीमत पर आप ही सप्लाई करेंगे तो आपका बिजनेस और भी आगे बढ़ेगा। इस बायोमास पैलेट्स की तैयारी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह स्टार्ट करें तो MSME उद्योग आधार स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। लोकल अथॉरिटीज परमिशन लेना होगा, इस तरह ट्रेड लाइसेंस परमिशन भी लेना होगा और GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रॉ बनाना पाउडर के बारे में जानेंगे। हम रॉ बनानास को कलेक्ट करके घर पर कुटीर इंडस्ट्री की तरह रखकर रॉ बनाना पाउडर बनाकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस रॉ बनाना पाउडर तैयारी बिजनेस के बारे में मालूम करने से पहले बनाना पाउडर से हमें होने वाले कुछ फायदे के बारे में जानेंगे। कुछ फायदे ये है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, मल्टीविटामिन्स मिनरल्स इस पाउडर में भरपूर होते हैं, इसलिए ये वेट लॉस के लिए यूज करते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करता है। रॉ बनाना पाउडर को सुपर फूड की तरह कह सकते हैं। इस बिजनेस के रॉ मटेरियल्स आकर रॉ बनानास, वॉशिंग लिक्विड्स, पैकिंग पाउचेस चाहिए। इस बिजनेस के लिए मशीन आकर घर पर कुटीर इंडस्ट्री हो तो डिहाइड्रेट मशीन 4,000 से 6,000 तक है। कमर्शियल मिक्सर ग्राइंडर 5,000 से 7,000 तक है। ये मशीन Amazon.in, Flipkart.com जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं।
और इस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट लगभग मशीन्स के लिए 13,000 रुपए और पैकिंग पाउचेस, रॉ बनानास और दूसरे खर्चा मिलाकर 5,000। टोटल इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के लिए 18,000 रुपए चाहिए और इस बिजनेस का इनकम खर्चा ये है कि 1 kg रॉ बनाना पाउडर मार्केट में क्वालिटी वाइज 250 से 450 रुपए तक है। सो केजी बनाना पाउडर की कीमत 250 से लेंगे तो 1 kg बनाना पाउडर खर्चा सब मिलाकर लगभग 100 रुपए होगा। हर दिन 10 kg बनाना पाउडर बनाकर बेचेंगे तो 2,500 होगा, उसमें से 1,000 रुपए निकाल दिए तो एक दिन का फायदा 1,500 का होगा और एक महीने में 45,000 का इनकम कमा सकते हैं। लेकिन इसके मार्केटिंग के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसका मार्केटिंग रॉ बनाना पाउडर को बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स, छोटे बच्चों की फूड प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स के तैयारी और घरों में बहुत किस्म के खाने के चीज़ों की तैयारी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो हम फूड रिलेटेड छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में खुद जाकर सेल करके पैसे कमा सकते हैं और इस बिजनेस के लिए FSSAI लाइसेंस या फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट लेना होगा और GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हम इस वीडियो में पॉलीग्रेनेट शीट्स बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले पॉलीग्रेनेट शीट्स एक छोटा बजट से अनेक डेकोरेटिव डिजाइन के लिए एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जैसा मार्केट में लॉन्च हुआ है। बहुत कम बजट से ही ये पॉलीग्रेनेट शीट्स अपने घर या ऑफिस के लुक को बहुत ही खूबसूरत में बदला देता है। हम अक्सर फ्लोर और वॉल्स के लिए जो टाइल्स यूज करते हैं उसके बदले में हम इस शीट्स को फ्लोर और वॉल्स को चिपका देते हैं और जब चाहे इस शीट्स को आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। और ज़रूरी बात यह है कि इस पॉलीग्रेनेट शीट्स को चिपकाने के लिए ब्रिक्स और वॉल्स को सीमेंट प्लास्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही टाइल्स के लिए वो सब ज़रूर करना पड़ता है। फ्रेंड्स, रेगुलर से पाए जाने वाले मार्बल शीट की कीमत से ये शीट्स सिर्फ 50% कॉस्ट में ही मिल जाता है। ये शीट्स 8x4 साइज और 3.5 mm थिकनेस में रहता है और इसकी खासियत फ्लेक्सिबल, फायर प्रूफ, टर्मिनेट प्रूफ, बॉरर प्रूफ और वाटर प्रूफ है। ये प्रोडक्ट ज़्यादा कंपटीशन रहने वाले बिजनेस नहीं है जिससे आपको बहुत प्रॉफिट मिलता है और इस शीट का लाइफ 30 years रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस बिजनेस के मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डर्स, अपार्टमेंट्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पास जाकर डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग करने से अच्छा ऑर्डर्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉलीग्रेनेट शीट्स के सेलर कंपनीज आपको indiamart.com और tradeindiamart.com जैसे वेबसाइट पे अवेलेबल है और इस शीट्स को सिर्फ कम कीमत में सप्लाई करते हैं और 1,000 से भी ज़्यादा डिजाइंस इन शीट में अवेलेबल रहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस बिजनेस के इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बारे में जानेंगे। इस बिजनेस के लिए आपको 2-5 lakhs की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और 200 स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेस रेंट लेना पड़ेगा। सो इस बिजनेस में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। हल्का सा इम्प्रूवमेंट करने पर आपको रोजाना 15,000 और महीने को 4,50,000 तक प्रॉफिट होगा। फ्रेंड्स, ये बिजनेस आइडिया ये है कि बनाना फाइबर बिजनेस आइडिया, यानी केले के धागे से बनाने वाले प्रोडक्ट के यूनिट। केले के धागे से हैंडबैग, कारपेट, चटाई, बेल्ट, कपड़े, साड़ी, सैंडल, डोरमैट, कई तरह के गिफ्ट, कैप, फोटो फ्रेम, सोफा कवर और टोकरी जैसे प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है। घरों में सजावट के लिए भी इससे बने हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बनाना फाइबर से बनाने वाले प्रोडक्ट के यूनिट शुरू करने के लिए आपके पास 1200 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा आपको 5 kW पावर सप्लाई होना चाहिए। इस बिजनेस के मशीनरी के बारे में जानेंगे।
इस बनाना फाइबर बिजनेस के लिए बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन की जरूरत होगी। इसके कीमत 1,30,000 है। यह मशीनरी आपको www.indiamart.com और tradeindia.com जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इस बिजनेस के रॉ मटेरियल के बारे में जानेंगे, केले का ताना, कलर, पैकेजिंग के लिए मटेरियल, कुछ अन्य सामान शामिल है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस का वर्किंग कैपिटल 70,000 एक महीने के लिए, इसमें 15 दिनों के प्रोडक्ट के लिए सारे रॉ मटेरियल्स, इसमें बैंक फाइनेंस 65% यानी 45,000 और मार्जिन 35,000 यानी 25,000 रुपये है। और इस बिजनेस का खर्च मशीन कॉस्ट 1,30,000 और रॉ मटेरियल कॉस्ट 25,000 यानी टोटल इस बिजनेस के लिए 1,55,000 रुपये होगा। इस बनाना फाइबर यूनिट लगाने के लिए खुद आपके पास सिर्फ 55,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना होगा। बाकी का अमाउंट स्कीम के तहत प्रोजेक्ट दिखाने पर बैंक की ओर से 1,00,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। और इस बिजनेस का इनकम के बारे में जानेंगे। इस बिजनेस का खर्च पर ईयर 4,99,000 रुपये, सरकार ने 1,55,000 रुपये के शुरुआती खर्च में जो प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरिंग की है उसके अनुसार पूरे साल के लिए प्रोडक्ट बनाने, सेल करने, टैक्स, सैलरी और लोन का ब्याज देने में कुल खर्च 4,99,000 रुपये आएगा। सालाना बिक्री 6,65,000 रुपये, वही इतने खर्च में बनाने वाले प्रोडक्ट के कुल सेल से सालाना 6,65,000 रुपये आएगा। इस बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन 1,66,000 रुपये सालाना। इस लिहाज से यूनिट शुरू करने वाले को पहले साल 1,66,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हो सकता है, जो करीब 14,000 रुपये महीना होगा। आगे बिजनेस पढ़ने पर उसी अनुपात में मुनाफा भी बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे इंडस्ट्री केमिकल्स में मिलेमाइन भी एक केमिकल है। फॉर्मल डिहाइड्रेट को पॉलीमराइजेशन की शक्ल में तैयार किया जाता है। मिलेमाइन प्लेट्स को बहुत सारे डिजाइन और रंगों में बनाया जा सकता है। टिफिन्स, स्नैक्स, मिल्स, टी, कॉफी सर्विंग, गिफ्ट आइटम्स, प्लेट्स जैसे बहुत सारे प्लेट्स अपने ज़रूरत के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डिजाइन्स एंड मॉडल्स होने के कारण इस मिलेमाइन इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप भी इस डिमांडबल एंड प्रॉफिटबल इंडस्ट्री को स्टार्ट करके इससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम मिलेमाइन प्लेट्स से होने वाले फायदे के बारे में जानेंगे। ये प्लेट्स अनब्रेकेबल, विदाउट स्मेल, नो क्रैक्स, कलर्स नहीं शेड होते हैं और स्टील की कीमत से इन प्लेट्स की कीमत कम है। फ्रेंड्स, अब हम इस इंडस्ट्री में होने वाले मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। मिलेमाइन फॉर्मल डिहाइड्रेट, थर्मोप्लास्टिक रिजाइन, प्रिंटेड डिजाइनर शीट्स, लैमिनेशन रिजाइन और पैकिंग मटेरियल्स यूज होंगे। अब हम टूल्स और मशीनरी के बारे में जानेंगे। हाइड्रोलिक प्रेस, मिलेमाइन क्रॉकरी मशीन, मोल्ड सेट, रेडी की जाने वाले मशीन सेट की कीमत 5,50,000 है। वेविंग मशीन एंड ग्राइंडिंग की जरूरत पड़ेगी, इनके लिए 25,000 की जरूरत होगी। मिलेमाइन क्रॉकरी मशीन को चलाने के लिए 3-phase करेंट की जरूरत पड़ेगी और शेड कंस्ट्रक्शन के लिए 50,000 से 75,000 तक खर्चा होगा। दो लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में होने वाले मशीनरी एंड मटेरियल्स आपको www.indiamart.com पर अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये प्लेट्स कैसे तैयार करें इसके बारे में मशीनरी सेल करने वाले आपको ट्रेनिंग देंगे। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 7,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इस इंडस्ट्री में आपका प्रॉफिट मार्जिन 35-40% होगा। इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट्स इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए रखा जाने वाला इन्वेस्टमेंट एंड लेबर की तनख्वाह और प्लेट्स की सेल पर डिपेंड होता है। इन मिलेमाइन प्लेट्स को सुपरमार्केट्स में मार्केटिंग कर सकते हैं और फेसबुक जैसे ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन करना होगा। फ्रेंड्स,
इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले इंडस्ट्री के बारे में मार्केट में टोटल इन्फॉर्मेशन जान लेके स्टार्ट करें। अब हम इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन के बारे में जानेंगे। एमएसएमई उद्योग आधार स्कीम के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लोकल अथॉरिटी परमिशन लेना होगा, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना होगा और ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा।